डायलॉग बस अभी क्रोमा लगाओ उधर सर। हाँ और रोलिंग का कहा? रोलिंग का कहा? क्रोमा लगाओ, इधर रोलिंग उधर लेते। हाँ चलो 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 ऊपर आओ। अरे सुनना मैं कह रहा हूँ ऊपर बैठने के लिए रिहर्सल में ही दर्द होगा तो टेक मिल जाएगा मेरे को। माइक माइक मेकअप मेरा निकालना होगा, बुलाओ किसी को आना पड़ेगा। कितना शंकर जी ये ना ये आएंगे हमने नीचे किस तरफ रहना पड़ेगा एक मीटर कैसे उस तरफ रहना पड़ेगा। अभी ये इधर से खींचा आ जा ओके ओके एकदम कर शॉट चेक करो सर आपका आ जा दिखाओ दिखाओ ऊपर सीन में एक्चुअली मुझे कोई बंदा दिखता है जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे बचाती हूँ और फिर बाद में पता चलता है कि वो कोई किसन है जो पटना से आया है और इंडियाज गुड टैलेंट में उसको पार्टिसिपेट करना है वो कर नहीं पा रहा है इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। सो अपनी वो रामकथा सुनाता है और मैं उसे कन्विंस करके अपने घर लेकर जाती हूँ। बड़ा ही कन्फ्यूज कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप है, बिहारी बोल रहा है और बहुत ही अजीब है, बट ये है कि थोड़ा सा दिल का साफ है, अच्छा है, अच्छा इंसान है। सो हाँ एक बंगाली लड़की है और ये बिहारी टाइप बोल रहा है तो कितना उसको समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता होता है तो समझ में तो आ जाता है, बट हाँ थोड़ा सा वियर्ड कैरेक्टर है। फिलहाल तो ये संस्कार है जो किशन बन के आया है और जो म्यूज़िक के थ्रू मेरे मेरी जो याददाश्त है उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे फन सीन्स देखने को मिलेंगे बिटवीन किशन एंड स्वरा एंड न्यू बॉन्डिंग ऑल टुगेदर एंड अ न्यू जर्नी ऑफकोर्स। सो लेट्स सी क्या होता है। फैंस को बस थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट करते, हमारा शो बिना मिस किए देखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग अस। थैंक यू।